माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन ना, किसी भी बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करना, बैक्टीरिया फ्री करना, वायरस फ्री करना, इसको और स्टरलाइजेशन। और उसमें तीन मेथड थे, है ना, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। फिजिकल पढ़ चुके, मैकेनिकल पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे केमिकल में। इसके बाद एक मेथड भी है, रेडिएशन मेथड भी है, उसको बाद बात करेंगे। पहले आज बात करते हैं केमिकल मेथड में। केमिकल में कोई सर्टन केमिकल यूज करेंगे हम, कोई भी केमिकल, और उस केमिकल का यूज करके हम बैक्टीरिया और वायरस को किल करेंगे। केमिकल का यूज करेंगे और बैक्टीरिया वायरस को किल करेंगे। तो अब वो केमिकल दो फेज में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में। यानी हम फर्दर ये डिवाइड कर सकते हैं कि जो आपका केमिकल मेथड स्टेशन है उस पर दो एजेंट हो सकते हैं, लिक्विड और गैस। देखो अगर आपको एग्जाम पे लिखना होगा तो क्या लिखोगे केमिकल मेथड स्टेशन में, रहेगा इट इज द मेथड द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन व्हिच इज परफॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज 36 टू कहानी, फायदा क्या क्या है, सस्ता है, जल्दी प्रेडिक्ट करेगा, टाइम कम लेता है ना, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई कोरोसिव हो सकता है, लॉस कर सकता है, मटेरियल को भी खराब कर सकता है, केमिकल है हमारे मटेरियल को भी खराब कर सकता है। तो ये चीज़ें, ये कॉमन चीज़ें अगर आपसे कभी अलग अलग पूछ ले तो, है ना, राइट अबाउट द एल्कोहल, राइट अबाउट द फॉर्मेल्डिहाइड, तब ये लिखना होगा इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है और क्या एडवांटेज कैसे है। मैं आपको यहाँ पे कंबाइंड इकट्ठा बता रहा हूँ कि सबका अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने कोई खास पर्पज नहीं है, क्योंकि इतना पूछा भी नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं इकट्ठा आपको सारे का मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म अगर एक बार में समझ जाएंगे तो बाकी को आप बना के खुद से लिख लेंगे। जैसे केमिकल मेथड में पहले लिक्विड्स की बात करेंगे, फिर गैस की बात करेंगे। लिक्विड्स में बेसिकली एल्कोहल का यूज करते हैं, एल्डिहाइड यूज करते हैं, फिनॉल, हैलोजन, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं, और डाई का यूज करते हैं। गैस की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन, इन तीन गैसों का ज्यादा यूज करते हैं। अब ये सभी गैस और केमिकल कैसे बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं, इसका मैकेनिज्म इन शॉर्ट समझते हैं एक बार। बात करें सबसे पहले एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या होता है आप देखिए, जो बैक्टीरिया और वायरस है, देखो बैक्टीरिया और वायरस की सबसे बड़ी जान क्या है, बैक्टीरिया और वायरस की सबसे बड़ी जान है उनका सेल मेंब्रेन, और उनसे बीच में बना न्यूक्लियस, यही जो चीज करता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है सेल मेंब्रेन। अच्छा सेल मेंब्रेन किसका बनाता है, लिपिड का और इसमें क्या होता है डीएनए। अगर हम किसी तरह से या तो लिपिड खराब कर दे इनका, या इनका प्रोटीन खराब कर दे, प्रोटीन डीनेचर कर दे, और या इनके डीएनए को डैमेज कर दे, तो यही तीन तरीका है बैक्टीरिया को किल करने। सारे केमिकल घूम फिर के यही तीन काम करते हैं, कोई लिपिड, कोई न्यूक्लिक एसिड, कोई प्रोटीन, कोई डीएनए, यही कुल मिलाकर घूम के, इन शॉर्ट समझ लो कि सारे का काम यही तीन चीज है। अब पहला एल्कोहल देखो, एल्कोहल क्या होता है कि जो इसके सरफेस पे लिपिड और प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन है, जो कोगुलेटिंग प्रोटीन होता है, उसको डीनेचर कर देगा, जो प्रोटीन का एक्चुअल असर होता है वो खत्म हो जाएगा, और जो लिपिड होता है, क्योंकि लिपिड एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, तो जब हम एल्कोहल डाल देंगे तो बैक्टीरिया के सरफेस का जो लिपिड है वो डिजॉल्व हो जाएगा, लिपिड क्या हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा, और बैक्टीरिया वायरस ऑटोमेटिक मर जाएगा। मैं लिखा है डीनेचरिंग कोगुलेटिंग प्रोटीन एंड डिजॉल्व लिपिड, बस शॉर्ट फॉर्म में यही लिख लेना और यही याद कर लेना, समझ लो इसको तुम बनाकर 6 से 7 पेज लिख सकते हो, बस अगर तुमको ट्रिक पता है तो कैसे लिखना है, बस एक वर्ड याद करो। शॉर्ट में काम क्या करता है एल्कोहल, क्या काम करता है, कोगुलेटिंग प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, डीनेचर करेगा और लिपिड को डिजॉल्व करेगा। और जब ये सेल मेम्ब्रेन ही ना रहा तो बैक्टीरिया वायरस कहाँ रहेगा, तो गया किल, जो हम चाहते हैं। दूसरी बात करें एल्डिहाइड, क्या करता है एल्डिहाइड, आपके डीएनए के अंदर एंट्री करेगा, क्या करेगा डीएनए के अंदर एंट्री करेगा और न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब एल्डिहाइड न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और बैक्टीरिया हमारा। इसके साथ साथ क्या करता है, ये प्रोटीन को भी डीनेचर करते हैं, बस शॉर्ट में समझो कि काम क्या कर रहा है, कैसे कोई केमिकल किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये क्या करेगा। दूसरा हमारा अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो ये न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखिए रिएक्ट्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी कुछ कुछ एल्कोहल का ही डेरिवेटिव है, तो जो काम एल्कोहल का रहा होगा वही फिनॉल का भी रहा होगा, याद करने का तरीका है। तो जो एल्कोहल काम क्या था, प्रोटीन को डीनेचर करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करना, वही काम इसका भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगा, रैप्चर कर देगा, खराब कर देगा और प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। मैंने कहा तीन ही काम है,
चाहे जितना कैंप कर उसके तो काम तीन ही होना, क्योंकि इतना होता है बैक्टीरिया के पास और कुछ होता है किसके पास। क्या कर रहा है, डिटेक्शन कर रहा है प्रोटीन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहा है और इस तरह से फिनॉल क्या करता है बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। हैलोजन की बात कर ले, हैलोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आपको पता हो। तो क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन, अच्छा आपको पता है कि जो लिपिड होता है, लिपिड से बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा लिपिड में होते हैं ऑक्सीजन, पता है कि नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर देखो केमिकल का, फॉस्फोलिपिड लिपिड का, तो उसमें ऑक्सीजन होते हैं। और अगर ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीजन क्या कर दें ऑक्सीडाइज कर दें, तो मेम्ब्रेन थोड़ा खराब हो जाए, जब मेम्ब्रेन खराब तो बैक्टीरिया खराब। तो क्या करता है हैलोजन, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लिपिड के ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा बैक्टीरिया वायरस मरना शुरू हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला बात करें हैवी मेटल्स, क्या करते हैं हैवी मेटल्स। देखो आपको पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एंजाइम्स, देखो जैसे हमारे शरीर में एंजाइम होता है, वैसे बैक्टीरिया के शरीर में भी एंजाइम होते हैं और उनके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस ये सब चलता है। तो हैवी मेटल्स क्या करते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके साथ रिएक्शन करके उसको इनहिबिट करते हैं। तो कोई भी एंजाइम जब काम नहीं करेगा तो इनके अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा ना पोषण मिलेगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो हैवी मेटल करते हैं कि ये एंजाइम एक्शन को ही रोक देते हैं। कैसे, क्योंकि एंजाइम के साथ जाके वहां वो जुड़ जाते हैं, जब जुड़ेंगे एंजाइम एक्शन को रोक देंगे और हैवी मेटल्स इस तरह से आपके क्या करते हैं स्टरलाइज करते हैं। सरफेस एक्टिव अटैक की बात करें, यानी कि सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये करते हैं, ये नहीं सरफेस है तो सरफेस भी अटैक करेंगे, और सरफेस में क्या होता है प्रोटीन होता है लिक्विड होता है, तो ये प्रोटीन को क्या करेंगे डीनेचर कर देंगे। और इसका एक काम और होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है लोगों में, है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस पाइरुविक एसिड में, उस साइकिल को भी रोक देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से क्या करते हैं डीनेचर प्रोटीन भी कर देते हैं और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा इसको ड्रॉप करते हैं। डाई जो होते हैं, डाई सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जो भाई थोड़ी देर पहले हैलोजन करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, कुल मिलाकर होना तीन ही काम है, लिपिड प्रोटीन और डीएनए, इन्हीं तीन में होना है, बाकी सब में अगल बगल बदल बदल के आपको याद करना है कि कौन किस तरह से बैक्टीरिया वायरस को किल करके स्टरलाइजेशन कर रहा है। गैस पे आ जाते हैं, अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। गैस ज्यादा एडवांटेज है लिक्विड से, क्योंकि ये पहली बात तो लाइट है, ये स्मॉल फोर्स में जहां लिक्विड नहीं घुस सकता वहां गैस घुस जाते हैं, वहां पे बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं छोटे-छोटे स्पेसेस में। ठीक है, तो गैसें ज्यादा पोटेंट होते हैं, लाइटर होते हैं, सस्ते होते हैं, इस लिक्विड से ज्यादा अच्छे हैं। तो एडवांटेज लिख लेना और डिसएडवांटेज लिख लेना, जो इसका लिखना हो भाई, यूज करने वालों को दिक्कत हो सकता है, अगर पॉइजनस गैस है तो स्टरलाइजेशन के बाद बहुत देर तक कमरे आप जा नहीं सकते। ठीक है, ये सब इसके डिसएडवांटेज, खुद से आपको लिखना, क्योंकि बहुत कठिन काम नहीं, इतना एक्सपर्ट तो हो ही गए। अब इसमें तीन फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलीन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोनोल इलेक्ट्रोड, काम वही करना जो पहले हो रहा था। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, इसके जितने भी इसके अंदर ये एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होते हैं कि जो प्यूरीन और जहां जहां नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कहाँ होता है आपको पता है, प्यूरीन में होता है, पिरिमिडीन में होता है। अब प्यूरीन पिरिमिडीन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। अगर ये प्यूरीन और पिरिमिडीन के नेचर को बदल, उसको इनएक्टिव कर दे, तो डीएनए भी इनएक्टिव हो गया, क्योंकि डीएनए भाई तीन चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन पिरिमिडीन, फास्फोराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। अगर नाइट्रोजनस बेस ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या उसका प्रोटीन बचेगा, इसका होगा बैक्टीरिया हमारा किल हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड करता है एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसके प्यूरीन और पिरिमिडीन एजेंट को या इसके मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इथाइलीन ऑक्साइड, इसका क्या नेचर होता है, ये बहुत ही पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इतना तेज इसका पावर होता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन को पार करता हुआ अंदर घुस सकता है, और जब मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो इसका सेल मेम्ब्रेन तो लीक हो जाएगा भाई, कोई गुब्बारा है उसके अंदर सुई उछेड़ दो तो गुब्बारा तो लीक हो गया, फूट जाएगा। उसी तरह जब बैक्टीरिया के अंदर ये गैस तेजी से घुसता है, पेनिट्रेट करता है, इसके सेल मेम्ब्रेन पंक्चर हो जाते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन पंक्चर होते हैं तो मटेरियल कहाँ निकल जाता है, और हमारा से बैक्टीरिया वायरस किल। बीटा प्रोपियोलैक्टोन ये क्या करता है, ये डायरेक्ट डीएनए पे अटैक करता है और डीएनए को डैमेज कर देता है, और एक बार जब डीएनए डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया वायरस अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और बैक्टीरिया वायरस वहीं पे किल हो जाता है। तो ये आपके बहुत सिंपल तरीके में अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा 15-20 पन्ना, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता रहेगी होना क्या, और एग्जाम में अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 4-5 नंबर में तो फिर इतना ही लिख देते हैं।
उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज करने के बाद ये पूरा भरा देना मैकेनिज्म के साथ कि क्या काम करता है। बहुत ज्यादा 12-15 पेज लिखने की जरूरत नहीं। और अलग अलग इससे पूछने से मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, अक्सर एल्डिहाइड और अल्कोहल का पूछता है, तो लिखा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्कोहल फॉर स्टरलाइजेशन। तो क्या करोगे एल्कोहल को, पहले करोगे एल्कोहल इज ए लिक्विड, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखिएगा इट इज लिक्विड फॉर्म, इट इज कलरलेस, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल डालोगे, देखिएगा द मेन प्रिंसिपल ऑफ एल्कोहल इज इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया बाय डीनेचरिंग कोगुलेशन प्रोटीन एंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद एडवांटेज, क्या क्या फायदे हैं, फिर डिसएडवांटेज के अनुसार है। इतना कर दो कि तुम्हारा शॉर्ट नोट और एल्कोहल हो जाए, तो खुद से आप आराम से कर सकते हैं। तो वैसे अलग अलग शॉर्ट नोट में केवल एल्कोहल ही पूछा गया है, एक आधा फिनॉल पूछा गया है, और अगर पूरा केमिकल मेथड पूछता है तो बस इतना ही लिखना, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग नहीं आएगा, 5 नंबर में आएगा। मेथड का एडवांटेज कर देगा, पूरा बनाकर चार्ट छोड़ देना, तुम्हारा अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट में सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन क्या काम करेगा। बार बार लिख के पैराग्राफ वाइज करो, में टाइम बहुत वेस्ट होगा और कुछ मिलना है, ठीक है। जो हो गया केमिकल मेथड, हो गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन मेथड से कैसे करते हैं।